नमस्कार दोस्तों, मैं थोड़ा दोस्त मनु मोड़ते PSTCL पंजाब वालों जॉब रिक्रूटमेंट की अनाउंसमेंट हो चुकी है। ये तो सामने इन्हों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इतने आप रीड कर लेने कि जो ओपनिंग डेट से वो 26 तरीक तो जी ये रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुकी सी एंड लास्ट डेट इस पोस्ट में अपलाई करने 17/5/2021 इन्होंने मैनशन की हुई है। तो चलो आप पोस्टों बारे पूरी जानकारी तो उसी वीडियो थ्रू दस दिने। एंड जो तुम किसी भी पोस्ट में अपलाई करना चाहते हो तो मोबाइल पर किमें अपलाई करना है वो मेरे वीडियो में कमेंट कर दो कि सर असं क्लर्क की या कोई होर पोस्ट है इस डिपार्टमेंट की पोस्टों में अपलाई करना चाहते हैं तो इस ऑनलाइन असं मोबाइल से अपलाई किमें कर सकते हैं कमेंट में यही लिख दो। तो मैं नैक्सट पार्ट ऑनलाइन अपलाई किमें कर सकते हो तुम मोबाइल पर वो तुम्हें समझा देंगे अपनी वीडियोज़ थ्रू। एंड इन पोस्टों में जो किसी भी पोस्ट बारे जानकारी जिम्मे सिलेबस या बेस्ट बुक जी बुक में आप सिलेबस कवर करना है उस बारे जानकारी लेना चाहते हो तो यही मेरा इंस्टाग्राम आईडी नंबर है, इससे मेरे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो तो मेरे नाल गल कर सकते हो। दोस्तों पहली पोस्ट की गल करिए असिस्टेंट इंजीनियर इलैक्ट्रीकल 43 पोस्टा ने तो इस बीई बी टैक BSc वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी इतने इन्होंने 7th पे स्केल के अकॉर्डिंग सैलरी इतने इन्होंने मैनशन की हुई है। तो नैक्सट पोस्ट की गल करिए असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की है, 6 पोस्टा ने टोटल इस भी बीई बी टैक BSc वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सेम सैलरी प्रोसैस इतने इन्होंने मैनशन किया हुआ है। तो इस तो बाद गल करिए दोस्तों नैक्सट पोस्ट अकाउंट ऑफिसर की है, 7 पोस्टा ने यह तो इस बीच CA CWA या CMA वाले कैंडिडेट पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो नैक्सट पोस्ट जी असिस्टेंट मैनेजर HR की है, तो 2 पोस्ट ने दोस्तों इस बीच एंड MBA पास कैंडिडेट इस पोस्ट में अप्लाई कर सकता है। तो नैक्सट जी असिस्टेंट मैनेजर ITI की है, तो इसमें MCA वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या मास्टर डिग्री उस को होनी चाहिए है। तो नैक्सट पोस्ट जी है डिविजनल अकाउंटेंट की 10 पोस्टा ने, तो इस बीच MCOM पास कैंडिडेट की डिमांड की गई है। एंड इस तो बाद जूनियर इंजीनियर सबस्टेशन की पोस्टा ने 200, टोटल 200 पोस्टा ने। इस बीच दोस्तों बीई बी टैक BSc इंजीनियरिंग या इलैक्ट्रिकल डिप्लोमा वाले कैंडिडेट इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। एंड नैक्सट पोस्ट की गल करिए दोस्तों जूनियर इंजीनियरिंग सिविल दी 15 पोस्टा ने, तो इस बीच भी बीई बी टैक या इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए इस पोस्ट में अप्लाई करने लिए। तो ये सारी बी टैक कैंडिडेट वास्ते ने। तो इस तो अलावा एक जी मेन पोस्टा ने अपना फोकस रखना जी पोस्ट पर वह क्लर्क की पोस्ट है, तो इस ग्रैजुएशन मंगी गई है किसी भी स्ट्रीम BA BCOM BSc जो कोई भी ग्रैजुएशन की है तो इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। और सैलरी इसकी भी 7th सेंट्रल पे कमीशन के अकॉर्डिंग ही सैलरी रहेगी। टोटल पोस्ट है क्लर्क दी 140 पोस्टा ने। दोस्तों मेन फोकस इस पर रखो, काफ़ी चंगी पोस्ट है यह। एंड क्लर्क का सिलेबस और बेस्ट बुक बारे जानकारी लेना चाहते हो तो मैं इंस्टाग्राम से फॉलो करके मेरे नाल गल करके बुक और सिलेबस बारे जानकारी ले सकते हो। ओके दोस्तों, इस तो अलावा गल करिए लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्टा 40 ने टोटल, तो इस बीच बैचलर ऑफ कमर्स की डिग्री अपने को होनी चाहिए स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो। अप्लाई करने तो पहले कुछ इंपोर्टेंट गलों ध्यान में रख लो, जोड़े भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं क्वालिफिकेशन के नाल उन्होंने 10वीं क्लास में पंजाबी सब्जेक्ट होना लाजमी है। तो एज लिमिट की गल करिए दोस्तों, अलग अलग पोस्टा वास्ते अलग अलग एज लिमिट सैट की गई है। जिमें इतने आप इलैक्ट्रिकल या सिविल दिया जो भी पोस्टा फिल कर रहे हैं तो उस 20 से 37 साल की एज लिमिट रखी गई है, या क्लर्क या टाइपिस्ट पोस्टा अप्लाई करते हैं तो 18 से 37 साल एज लिमिट इतने इन्होंने मैनशन की हुई है। ओके दोस्तों, अगे तो प्रोसैस जानने लिए मैंने वीडियो में कमेंट कर दो। एंड जो वीडियो बेनीफिशियल लगती है प्लीज़ चैनल में सबसक्राइब कर लो, तो सपोर्ट की बहुत जरूरत है।